मैंने सर 12th तक तो मैं कभी ऐसे मेरे परसेंटेज काफ़ी थे रहे ही नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी नौकरी लग पाऊंगी। फिर अच्छा मौका मिल गया पढ़ने का, इसलिए सक्सेस हुई। बाकी फ़ोन मेरे पास नहीं है, करंट की क्लास देखती थी, भैया का फ़ोन था उससे, और 1-1.5 घंटे देखती थी क्लास बस। मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं था मेरे पास उस वक्त, तो ऐसी उम्मीद थी पेपर देते ऐसे लगा था अब पढ़ाई छोड़ देंगे, पता नहीं ऐसा पेपर हार्ड आया था। हमने सोचा अब इसमें तो 50-60 नंबर भी नहीं आएंगे, हमारा तो होना ही नहीं है इसमें। हाँ, नहीं उस वक्त तो नहीं लगा था टॉप करेंगे ऐसे, मैं सोचा सिलेक्शन हो जाए यही काफ़ी। और बाड़मेर से तो मुझे कम ही उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ 4 पोस्ट थी और पेपर भी फर्स्ट पारी में ही था, वो फर्स्ट एग्जाम ही था, 13 को फर्स्ट में हुआ था, इसलिए वो बहुत हार्ड था दूसरे पेपरों से। सोशल मीडिया उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पहले तो उनको सोशल मीडिया से दूर होना होगा और सभी अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी ऐसे किताब लेने से तो पढ़ाई होती नहीं है, 10-12 घंटा किताब लेके बैठे रहते वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, याद होते अच्छे 7 घंटे, इतने घंटे ही पढ़ा करें। फिजिकल की प्रैक्टिस जो की वो कितने टाइम में कर लेते थे, कितने टाइम तक, कहाँ कहाँ गए, रनिंग वगैरह तो सीखी। मैं छोटा नाक में जा रहा है, नजदीक दो हजार 19 में मेरा 12th हुआ था। उसके बाद हम पढ़ने के लिए पापा ने आबाद बाड़मेर भेज दिया था, मेरे भैया यहीं पे रहते थे, उनके साथ मैं भी रहने लगी। एक मेरी ताऊजी की लड़की थी वो भी मेरे साथ रहती थी, दोनों ने पढ़ाई की। फिर लॉकडाउन के टाइम गांव चले गए थे, फिर पढ़ाई लॉकडाउन के टाइम तो छूट गई थी। उसके बाद से फिर बाड़मेर आई, 2020 वाली कॉन्स्टेबल दी थी, उसमें काफ़ी तैयारी नहीं थी, पता ही नहीं था पढ़ना क्या है उस टाइम। और उसके बाद एक बार फिर गाँव चले गए थे, दोबारा लॉकडाउन आया था तब। और फिर उसके बाद 1 साल से मैं लगातार यही हूँ। कोचिंग भी ली थी मैंने संकल्प से, और 6-7 महीने कोचिंग गई थी, उसके बाद 2 महीने सेल्फ स्टडी की थी, और फिर एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम दिए थे, तीनों में ही फिजिकल कॉल हो गया। तो एग्जाम जब होने वाला था तो उससे पहले जो तैयारी थी, तो किस तरह पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, क्या क्या चीज़ें थी जिन पर ध्यान रखते थे? पढ़ाई जो कोचिंग में हमें नोट्स लिखवाए जाते थे वो पढ़ते थे, और उसके अलावा 2 महीने में तो हमने कोचिंग नोट्स लिखा है वही पढ़े थे, उसके अलावा कोई बुक्स सर ने बताई थी वो पढ़ी थी, जैसे कंप्यूटर में दक्ष पढ़ी थी, और रीजनिंग में तो जो नोट्स लिखाए थे वही पढ़े थे। और पढ़ाई 6-7 घंटे ऐसे हमेशा पढ़ाई कर लेते थे। तो सुनने में आया कि सर मल्टीमीडिया फोन भी नहीं आपके पास में? नहीं फ़ोन मेरे पास नहीं है, करंट की क्लास देखती थी, भैया का फ़ोन था उससे, और 1-1.5 घंटे देखती थी क्लास बस। मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं था मेरे पास, कारण कारण बस भैया के पास था, भैया साथ में रहता था, इसीलिए उसका फोन था। तो क्या लक्ष्य क्या था? वर्क लक्ष्य वर्दी में जाने का था, और अब हो गया। तो तो जिस वक्त एग्जाम दिया था उस वक्त पेपर कैसा रहा था और क्या उम्मीद थी? उस वक्त तो ऐसी उम्मीद थी पेपर देते ऐसे लगा था अब पढ़ाई छोड़ देंगे, पता नहीं ऐसा पेपर हार्ड आया था। हमने सोचा अब इसमें तो 50-60 नंबर भी नहीं आएंगे, हमारा तो होना ही नहीं है इसमें, ऐसा लगा था। उसके बाद में कुछ समय तो गांव चली गई थी, मैंने कहा अब नहीं पढ़ेंगे छोड़ो, इतने हार्ड पेपर हुए थे तीनों। तो फिर फिजिकल की तैयारी कितने टाइम तक? फिजिकल, फिर आंसर की, फाइनल आंसर की आई थी तब 90-90 कैसे आ रहे थे, फिर जिस जो भी पूछता था कितने नंबर आए वो कहते थे आपका हो जाएगा पेपर हार्ड आया था, तब यहीं रह कर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया फिर से, फिर रिजल्ट आ गया था उसमें, तीनों में फिजिकल कॉल हो गया। फिर 2 महीने तैयारी की थी फिजिकल की।
वो तैयारी कैसे, कैसे किसी से कोचिंग लिया था या सेल्फ था, कितना नहीं, दौड़ते वो थे? सेल्फ ही मेरी तो हो जाती थी रनिंग, और उसके बाद में एक मैम आए थे, उनसे कोचिंग भी ली थी, कंचन मैम थे जयपुर से, उनसे कोचिंग भी ली थी 1 महीने। तो उसमें क्या क्या सीखा था, जिसमें स्टेडियम में जाते थे तो? स्टेडियम में पहले वो वार्म अप करवाते थे मैडम, एक्सरसाइज वगैरह, सभी बच्चे साथ में थे, लगभग 70 ऐसे 70-80 ऐसे होंगे, और उनके साथ एक्सरसाइज करते थे शाम को और सुबह 2 टाइम करवाते थे, और फिर टाइमिंग भी अच्छी आने लगी थी, 27-28 मिनट ऐसी, 30 मिनट के अंदर अंदर। तो जिस वक्त एग्जाम दिया उस वक्त आपका एग्जाम टफ था, फिर उसके बाद इस वक्त रिजल्ट आया, उस वक्त रिजल्ट जब आने वाला था उस वक्त ये सोचा था जनरल कैटेगरी में टॉप कर लोगी? मैं उस वक्त तो नहीं लगा था टॉप करेंगे ऐसे, मैं सोचा सिलेक्शन हो जाए यही काफ़ी, और बाड़मेर से तो मुझे कम ही उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ 4 पोस्ट थी और पेपर भी फर्स्ट पारी में ही था, वो फर्स्ट एग्जाम ही था, 13 को फर्स्ट में हुआ था, इसलिए वो बहुत हार्ड था दूसरे पेपरों से, यहाँ से तो उम्मीद नहीं थी, फिर भी हो गया यहाँ से। इसके अलावा और कहाँ कहाँ था एग्जाम दिया था आपने? और CIDI भी का दिया था, और भी एक भीलवाड़ा से हुआ था वो भी दिया था। अच्छा, तो अभी खाकी जिस दिन शरीर पे धारण करोगी वो दिन कितना गर्व का दिन होगा? वो तो सर अब तो बहुत उत्सुकता हो रही है ऐसे, जैसे जल्दी ज्वाइनिंग दे ऐसे, देखेंगे फिर। तो जिस वक्त आप 12th में थी उस वक्त 60-65 के करीब क्लासमेट गर्ल्स थी, हाँ उनमें से कुछ बाड़मेर आई और उनमें से एक आप जो है जो वर्दी पहनने जा रही हो, तो क्या था इस सफलता के पीछे राज, क्या मेहनत थी इतनी? मैंने सर 12th तक तो मैं कभी ऐसे, मेरे परसेंटेज काफ़ी थे, रहे ही नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी नौकरी लग पाऊंगी, फिर अच्छा मौका मिल गया पढ़ने का, इसलिए सक्सेस हुई। बाकी घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? घर वालों का तो फुल सपोर्ट है, तभी तो पढ़ पाए हैं ऐसे। अब जो है नौकरी जो मिल गई है, लक्ष्य यही है कि इससे आगे भी जाना नहीं, है, इससे आगे भी जाना है, और तो क्या क्या सपना देख रखा है? अभी SI RPSC में उसके लिए तैयारियां शुरू कर ली है? हाँ तैयारी शुरू तो नहीं की, अभी करेंगे। तो जिस वक्त अनाउंस हो गया रिजल्ट, उसके बाद घर वालों में कितनी खुशी है, कितने घर वालों की खुशी घर है? वाले बहुत खुश हुए थे, सभी के कॉल्स आ रहे थे, बहुत खुश हुए थे घर वाले तो। अभी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके? अभी प्रतियोगिता तो सोशल मीडिया उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पहले तो उनको सोशल मीडिया से दूर होना होगा, और सभी अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ऐसे किताब लेने से तो पढ़ाई होती नहीं है, 10-12 घंटा किताब लेके बैठे रहते, वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, याद होते अच्छे 7 घंटे, इतने घंटे ही पढ़ा करें। और क्या चीज़ें हैं जिनपे ध्यान रखना चाहिए? ध्यान, डेली रूटीन अच्छी होनी चाहिए, जितने टाइम पढ़ाई को दे रहे हो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करें, अलावा कोई चीज़ें ना करें, एक टाइमिंग होनी चाहिए पढ़ने की,